नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ, आवाज आ रही है ना? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम डॉक्टर प्रियंका से आप सभी लोगों को मिलवाने जा रहे हैं, और आज क्योंकि 9th में है, सारी दुनिया मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है, तो मदर्स डे के अवसर पर हम डॉक्टर साहब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक करने जा रहे हैं। जो अब इस दुनिया में जिनके बच्चे आने वाले हैं, जो मदर्स बनने वाली हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो आज मदर्स डे के मौके पर जो उनकी उससे पहले जो इस टॉपिक से पहले आज माँ के बारे में मैं चंद लाइनें आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो माँ कौन है, माँ क्या है? दुनिया का हर मुश्किल रास्ता जिससे डरे वो है माँ। जिसको बुरा होने का एहसास पहले से ही हो जाता है वो है माँ। जो खुद से पहले अपने परिवार की सोचे वो है माँ। जिसको देखकर मन को खुशी मिले वो है माँ। जिसके हाथ का खाना खाने को लोग तरसते हैं वो है माँ। माँ के बिना जिंदगी ही नहीं, क्योंकि माँ ही मेरी जिंदगी है। किसी ने मुझसे पूछा इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, तो मैंने मुस्कुराकर कहा मेरी माँ का दिल। तो माँ से बढ़कर तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि माँ जो है वो पैदा जो बच्चों को इस दुनिया में लेकर आती है और उनको जिंदगी देती है। मदर्स डे तो एक दिन का मदर्स डे नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या है, आजकल सब लोगों ने फादर्स डे, मदर्स डे ये बना दिया है कि एक दिन मदर्स का है, एक दिन फादर का है। माँ का कोई दिन नहीं होता, हर डे मदर्स डे, हर डे फादर्स डे। बिना माँ बाप के से बच्चों की कोई जिंदगी नहीं होती है। तो इस माँ के बारे में मेरे ऐसे विचार हैं। हो सकता है मैं, जहां तक मुझे लगता है कि मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। तो अब हम डॉक्टर साहब से थोड़ा सा डॉक्टर साहब का भी इंट्रोडक्शन सभी मेंबर्स को दे दें, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं। प्लीज आप सभी लोग कमेंट्स करके यस बोलें तो हम अपना सेशन स्टार्ट करें। हेलो दृष्टि, वेलकम। और इस प्रोग्राम को जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो अब माँ बनने जा रही हैं, और जिनका भी जो भी मंथ चल रहा है, और कोविड से रिलेटेड हम जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब आपको देंगे, वो मैक्सिमम लोगों को हेल्प हो। तो जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ज्यादा ये जो जानकारी है ये सभी तक पहुंचेगी और सभी इसका फायदा उठा सकेंगे। अगेन मैं डॉक्टर साहब का एक बार और वेलकम करती हूँ। डॉक्टर साहब जो हैं, हमारा आज टॉपिक है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, और डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आप हमारे साथ आ चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं, तो वेलकम है डॉक्टर साहब आपका। तो अभी मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो टाइम चल रहा है, उसमें प्रेग्नेंट महिलाओं में कितना रिस्क है कोविड होने का? जी, सबसे पहले तो मैं डॉली मदनानी जी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर। एंड नेक्स्ट, आई वुड लव टू विश ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स ओवर हियर अ हैप्पी मदर्स डे। मैं विश करती हूँ, प्रे करती हूँ कि इस पैंडेमिक से हम सब मिलके अच्छे से निकल जाएं, हेल्दी रहें, फिट रहें और इस पैंडेमिक से लड़ पाएं मिलकर। तो आपका जो सवाल है कि प्रेग्नेंट लेडीज में कितना रिस्क है, तो मैं आपको जी, बताना कोविड होने चाहूंगी, का। आज जो भी हम बात करेंगे, आई वुड लव टू शेयर ऑल अकॉर्डिंग टू द सर्वे जो पूरे वर्ल्ड में सर्वे हुआ है, उसी के फैक्ट्स मैं आज शेयर कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द सर्वेज,
जो नॉर्मल पॉपुलेशन, जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उन्हें जितना खतरा है COVID-19 इन्फेक्शन होने का, उतना ही रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज को भी है COVID-19 होने का। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि प्रेगनेंसी होने पे COVID-19 होने का रिस्क बढ़ जाता है। और तो और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2/3 ऑफ द पेशेंट्स, प्रेग्नेंट पेशेंट्स, जो COVID-19 हो जाता है, जो COVID पॉजिटिव हैं, वो एसिम्टोमेटिक होती हैं, मतलब उन्हें कोई लक्षण नहीं होते हैं। और जो 1/3 ऑफ प्रेग्नेंट पेशेंट हैं, उन्हें भी जो सिम्टम्स आते हैं वो मतलब फीवर उनका माइल्ड होगा, हेडेक या ब्रेथलेसनेस, उन्हें जो भी हो रहा है वो सिम्टम होंगे। ओनली अ फ्यू परसेंट ऑफ सिम्टोमेटिक पेशेंट, 1% ऑफ पेशेंट मान लीजिए, वो प्रेग्नेंट लेडीज होंगी जिन्हें सीवियर इलनेस होने का रिस्क, वो भी वो पेशेंट जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि उम्र 35 से ज्यादा है, उन्हें मॉर्बिड ओबेसिटी है, मतलब उनका बीएमआई बहुत ज्यादा है, वजन बहुत ज्यादा है, उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान या पहले से ही डायबिटीज है, वो डिजीज है, या उन्हें ऐसे डिजीजेस हैं जिनकी वजह से ब्लड में क्लॉट यानी थक्का बनने का, तो ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिन्हें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, उन पेशेंट को सीवियर इलनेस होने का खतरा है। बाकी पेशेंट एसिम्टोमेटिक माइल्ड रेंज में रहते हैं और इजीली रिकवर कर जाते हैं। तो हम एज अ कंक्लूजन ये हैं कि सेम रिस्क है, प्रेगनेंसी इज नॉट अ हाई रिस्क फैक्टर टू गेट द कोविड, बट यस, बीइंग प्रेग्नेंट यू आर एट हाई रिस्क इफ यू आर कैचिंग कोविड इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस जो हम आगे बात करेंगे। जी, तो ये कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब कि कोविड हो गया है उसको? मतलब कोविड के जो उनको सिम्टम्स जैसे हैं क्या, नहीं जैसे क्या वो जो होता है ना कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बहुत सारी दवाइयां वगैरह देते नहीं है डॉक्टर्स, मना करते हैं कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स जो है ना कि ये टेबलेट्स नहीं लेनी चाहिए, बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तो फिर जैसे हल्की खांसी जुकाम होता है तो घर में ही कुछ दवाइयां ले लेते हैं प्रेग्नेंट लेडीज, तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि कोविड हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नॉर्मल पेशेंट में सिम्टम्स होते हैं, वही प्रेग्नेंट लेडी में भी कोविड के सिम्टम आएंगे। कोई स्पेशल सिम्टम प्रेगनेंसी में कोविड होने पे नहीं, वही जैसा कि आपको ऑलरेडी, अब तो सबको पता है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कोविड के, फिर भी मैं आपको एक बार देती हूँ। फीवर हो सकता है जो कि लो ग्रेड, माइल्ड भी हो सकता है और हाई ग्रेड भी हो, परसिस्टेंट लंबे टाइम तक चल भी सकता है। कफ हो सकता है, ड्राई कफ होता है, या रनिंग नोज भी हो सकती है, स्पूटम बलगम भी आ सकता है। बहुत सारे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सांस फूल रही है, चलने में, काम करने में सांस फूल रही है। हेडेक हो सकता है, वो भी माइल्ड हो सकता है या सिवियर हेडेक भी हो सकता है। उसके अलावा स्मेल स्मेल सेंसेशन में लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन हो गया, स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो गया, पता नहीं चल रहा है, या फिर कुछ रेयर सिम्टम्स भी अब आ रहे हैं, जैसे कि पेट की दिक्कतें, कुछ लेडीज कह सकती है मुझे डायरिया हो रहा है, या फिर कंजंक्टिवाइटिस मतलब रेडनेस ऑफ एंड आंखों का लाल होना और उनमें से पानी पानी बहना, कंजंक्टिवाइटिस भी होता है। किसी को बॉडी में रैशेस भी होते हैं, पूरे शरीर में थकान हो रही है, ये तो नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स है। अब जो क्वेश्चन आपने पूछा कि लेडी को कैसे पता चलेगा, इतनी महामारी फैल रही है कि अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्टम होता है तो यू गेट इट चेक। आपको जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन, जिसको भी आप जिससे भी आप सलाह लें, या आपके नोन कोई फिजिशियन है, कोई डॉक्टर है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। हेडेक जो है, फीवर जो है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है, प्रेगनेंसी के और बहुत सेशंस में भी ये सिम्टम्स होते हैं, तो आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर जी सकते, आपको कंसल्ट करना जरूरी है। जी हाँ, तो फिर जैसे जो दवाइयां रहती हैं डॉक्टर साहब, जो प्रेग्नेंट लेडीज की जो दवाइयां रहती हैं, वो तो नॉर्मल जो दवाइयां होती है, तो कोविड में तो हम आजकल दूसरी दवाइयां दे रहे हैं।
जी, तो वो कि तो जो उनके लिए, दवाइयां होंगी वो नॉर्मल, जो कोई नॉर्मल, वो अलग होंगी, डेफिनेटली अलग हैं। जो सेफ दवाइयां हैं वही आपको दी जाएंगी। तो इसके लिए आप, अब जब आप अपने डॉक्टर करेंगे तभी आपको वो दवाइयां मिल पाएंगी। अच्छा। और अब मैं आपसे ये पूछना मतलब चाह रही हूँ, जब अगर सब, माँ को, जी, अगर माँ को हाँ कोरोना है तो बोलिए। बेबी को भी कोरोना हो सकता है क्या? अगर माँ पॉजिटिव है तो ये कोई जरूरी है क्या कि बेबी भी पॉजिटिव होगा? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज डरी हुई रहती हैं कि कोविड हो गया है तो मेरे बेबी को भी कोविड होगा क्या। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऐसा है कि प्रेगनेंसी में मदर टू फीटस कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं जाता है, नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर डिलीवरी के दौरान जो टेस्ट किए गए हैं, बच्चे के आसपास एक लिक्विड होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, या डिलीवरी के टाइम जो फ्लूइड होते हैं उनके टेस्ट किए गए हैं, जस्ट डिलीवरी के बाद भी बेबीज के टेस्ट हुए हैं, वो कोविड नेगेटिव आए मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो कोई वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता मदर टू बेबी में। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब सीधे माँ से बच्चे में जो इन्फेक्शन होता है वो नहीं होता कोविड-19 में। ऐसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मदर से बेबी में जा सकते हैं, बट कोविड-19 इन्फेक्शन मदर टू बेबी में ट्रांसफर नहीं हो रहा। सो आप रिलैक्स रह सकते हैं। अच्छा, बट आफ्टर डिलीवरी अगर पेशेंट को, मतलब मदर को बहुत ज्यादा कफ है, वो स्नीज करती है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, या आपकी सराउंडिंग में किसी रिलेटिव में जो बच्चे की केयर कर रहा है उसको अगर कोविड है, तो बेबी कैन कैच कोविड इन्फेक्शन आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ मतलब अगर प्रेगनेंसी के अंदर है तो मतलब उसमें आप उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, लाइकली अकॉर्डिंग टू आफ्टर द बर्थ उनका रिसर्च। क्योर करना जरूरी है। जी जी अच्छा, और ये बताइए डॉक्टर साहब कि कितना रिस्क ऑफ डेथ है ड्यू टू कोविड इन प्रेगनेंसी? यस। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इन्फेक्शन बहुत लोगों को लग रहा है नॉर्मल, जितना जितनों को इन्फेक्शन कैच हो रहा है उतना ही प्रेग्नेंट लेडीज को हो रहा है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं बन रही। जितनी आपको ऑलरेडी अब तक न्यूज देख देख के पता चल चुका होगा कि कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर इतनी ज्यादा नहीं है, सेम प्रेगनेंसी में भी है कि प्रेगनेंसी में भी कोरोना वायरस की वजह से मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। जो मैंने अभी हाई रिस्क फैक्टर बताए जिन्हें सीवियर इलनेस हो सकती है कोरोना वायरस की वजह से, वो एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट पॉपुलेशन है। तो उन लोगों में भी ओनली लेस देन 1% लोगों में मोर्टेलिटी होती है, मतलब डेथ होती है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हैं। जी बट स्टिल आपको प्रिवेंशन प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बीइंग प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी में कोविड की वजह से कुछ होना हो, और भी चीजें होती हैं जो प्रेगनेंसी में मदर को और बेबी को रिस्क पहुंचा सकती हैं, हार्म पहुंचा सकती हैं, तो हमें उनसे भी बच के रहना पड़ता है, नॉट ओनली कोविड-19। हाँ, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा उस पर भी आप प्रकाश डालिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं अभी, जो जिनका ये पीरियड चल रहा है, उनको किन किन सावधानियों की जरूरत है? जी, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस टाइम पे है कि इतना महामारी फैल रही है, तो अपने आप को पैनिक करना है, रिलैक्स रहना है, बिकॉज रिलैक्स माइंड कैन टेक गुड स्टेप्स। दूसरा, आपको आइसोलेटेड रहना, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको खुद की सुरक्षा खुद ही करनी है, आप जितना लोगों से मिलना अवॉइड कर सके आप अवॉइड करें। नेक्स्ट, अगर आपको पड़ रहा है तो आप टेक्निक का, डबल मास्किंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं, N95 मास्क आप यूज कर सकते हैं, रिपीटेड हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन आपको करना है। सैनिटाइजर आप वो इस्तेमाल करें जिसमें एटलीस्ट 70-90% ऑफ अल्कोहल हो, इधर लिक्विड और जेल कुछ भी इस्तेमाल करें, बट रिपीटेड हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। आप अपने न्यूट्रिशन पे आपको ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी में एक मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स प्रेग्नेंट लेडीज को होती है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है एनीमिया,
खून की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, डिफरेंट विटामिन डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट लेडी को हो जाती है। खून की कमी की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद में मदर को और बेबी को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इस वजह से अगर आपको प्रेगनेंसी में एनीमिया हो जाएगा या डिफरेंट डेफिशिएंसीज हो जाएंगी तो आपको डॉक्टर के विजिट बढ़ाने पड़ेंगे, आपको डॉक्टर को दिखाना जाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए लैब में जाना पड़ेगा एंड देन अगेन यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू कोविड-19। तो आप अगर अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे कि क्या आपको लेना चाहिए, बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, तो आप इन एनीमिया से, इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्या डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? अगर प्रेगनेंसी में डेफिशिएंसी है तो मदर को डिलीवरी के पहले ब्लीडिंग हो सकती है, बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, यानी बच्चा नॉर्मल से कम ग्रोथ हो सकती है बेबी की, और प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, डिलीवरी के टाइम पे बहुत ब्लड लॉस हो सकता है, और डिलीवरी के बाद भी जो बेबी होता है बेबी भी एनेमिक हो सकता है, और बेबी के को बाद में लॉन्ग टर्म में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा होता है, और जब दूध पिलाती है लेडी तो दूध मिल्क का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूट्रिशन के लिए आपको आयरन रिच प्रोडक्ट्स खाने, आयरन जो आपको सप्लीमेंटेशन आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उन्हें टाइमली लेना है, आपको उनको मिस नहीं करना है। आप आयरन रिच डाइट ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप ले सकते हैं, जो आयरन के लिए चुकंदर होता है वो आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, अनार आप डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको आप आयरन के यूटेंसिल जो लोहे की कढ़ाई है उसमें कुक कर सकते हैं, उससे उसका आयरन उसमें ज्यादा हो जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन बढ़ जाएगी तो आपको ज्यादा आयरन अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने डाइट में विटामिन सी को ऐड करें, जैसे कि आंवला आप ऐड कर सकते हो, कीवी ऐड कर सकते हो, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो जितना आप विटामिन सी लोगे आयरन के साथ उतना आपका आयरन ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन लेडीज जो हैं, जो वेजिटेरियन है स्पेशली, उनका प्रोटीन बहुत, प्रोटीन कंटेंट ऑफ द डाइट बहुत कम होता है, तो अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो जो आयरन आपने लिया है दवाई के रूप में, फल सब्जी के रूप में, वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि आयरन अकेला हीमोग्लोबिन नहीं बनाता, वो प्रोटीन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है, तो आपको अपनी डाइट रिच इन प्रोटीन रखनी पड़ेगी। सो आई वुड लव टू शेयर के मतलब कैसे आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। डाइट में जी आपका कि आपकी डाइट होती है उसका 50-55% तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, 20-25% उसका प्रोटीन होना चाहिए, 15% 10-15% फैट होना चाहिए, और जो रिमेनिंग है 10% वो आप पोल्ट्री या फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स या आपके नट्स या फ्रूट्स या स्नैक्स जो भी आप खाते हैं होना चाहिए। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें एडिक्वेट एनर्जी हो, एडिक्वेट प्रोटीन हो और सारे सप्लीमेंट्स हो, प्लस ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक ऐसी डाइट होना जरूरी है जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स हों, जो हम अभी बात करते हैं। अब सबसे पहले एनर्जी, एनर्जी कितनी होनी चाहिए हमारे डाइट में, ये भी डिपेंड करता है कि आपका बीएमआई कितना है। बीएमआई का मतलब होता है जो आपका वजन होता है, हाइट का हम एक रेशो कैलकुलेट करते हैं, और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, सेडेंटरी है, आप लेटे रहते हैं, कम काम करते हैं, या यू आर एक्टिव फिजिकल वर्कर, उस हिसाब से आपकी एक एनर्जी रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। ऑन एन एवरेज वो 2200-2300 होता है, उस हिसाब से आपका एनर्जी एंड डाइट चार्ट कैलकुलेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में आप क्या ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट में आप चपाती ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, जो होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं, बार्ले होता है, जौ होता है, बाजरा होता है और मक्का होता है, सीजन के अकॉर्डिंग आप वो ऐड कर सकते हो। आप दलिया अपने खाने में ऐड कर सकते हो, ओट्स अपने खाने में ऐड कर सकते हो, पोहा इडली ये सब आप अपने खाने में ऐड कर सकते हो। आपको किससे बचना है, आपको उन प्रोडक्ट से बचना है जो आपका ब्लड शुगर सडनली इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जैसे कि फाइन शुगर्स, ग्लूकोज पाउडर। अगर आपको अगर आपको थोड़ा कमजोरी सी लग रही है, वीकनेस लग रही है, ठीक है, आपने एक बार ग्लूकोज पाउडर ले लिया, बट नॉट रूटीनली, ऐसा नहीं है कि आप ग्लास भर भर के डेली ग्लूकोज पाउडर पी रहे हैं, वो आपके ब्लड शुगर लेवल को सडन इंक्रीज करता है और उससे आपको
प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होने का खतरा होता है, तो आपको ऐसी डायबिटीज, बीपी, एनीमिया, इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने डाइट पे ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। जी सेकेंडली, जो आप फ्रूट्स में आप सब तरह के फ्रूट्स आप खा सकते हैं, बट अगर आप ग्रेप्स और मैंगो को प्रेफर करते हैं तो उनका अमाउंट थोड़ा कम रखें, कम कम आप खा सकते हैं उनको भी। दूसरा, ज्यादा स्वीट्स एंड लड्डूस पे ना जाएं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ज्यादा और सडनली बढ़ाता है। नाउ कमिंग टू प्रोटीन, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी डाइट इज ऑलवेज डेफिशिएंट। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो डिफरेंट टाइप की दाल जो अवेलेबल है मार्केट में उनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। मूंग की दाल, काली पीली हरी, राजमा, अरहर की दाल होती है, और जो चने होते हैं काले चने, काबुली चने, ये सब आप ऐड कर सकते हो। एक रोस्टेड चना भी आता है, उसको आप ऐड कर सकते हो। स्प्राउटेड ग्रीन मूंग की दाल होती है, उसमें इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स। प्लस आप चनों को भी स्प्राउट कर सकते हो। सो दीज ऑल आर वेरी रिच ऑफ प्रोटीन इन प्रेगनेंसी। सोयाबीन भी आप ले सकते हो, ठीक है। फैट में आप सिंपल फैट आप ले सकते हो, फैट में कुछ स्पेशल नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट में इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम, आपका रोज दूध लेना जरूरी है। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, यानी आप मोटे हैं, आपका मोटापा ज्यादा है, वजन ज्यादा है, वेट गेन ज्यादा हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो आप मलाई के बिना वाला जो टोन्ड मिल्क आता है, स्किम्ड मिल्क आता है, आप वो यूज करें। अगर आप अंडर वेट है, आपका बीएमआई 18 से कम है, तो आप 1 ग्लास और 2 ग्लास मलाई वाला दूध विदाउट एनी फिल्ट्रेशन वो आप ले सकते हो। एनी फिल्ट्रेशन मतलब मलाई हटाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, कमिंग टू द एंटीऑक्सीडेंट्स, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप कीवी ऐड कर सकते हैं, लेमन का यूज कर सकते हैं अपने खाने में, शुगर को आप हनी से सब्सिट्यूट कर सकते हो, रिफाइंड शुगर की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैंने बीन्स और सीरियल और ओट्स, ये सब आप ले सकते हो। दूसरा, आपको अपने डाइट में नट्स ऐड करना चाहिए। नट्स में आप 2 to 3 आप अखरोट यूज कर सकते हो, 4 to 5 आप आलमंड भिगो के खा सकते हैं, किशमिश 4 to 5 किशमिश आप ले सकते हैं, और कैशू नट्स आप ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स आप ले सकते हैं, अलसी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जिनको बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। सो दीज ऑल कंटेन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ये सब आप अपने खाने में ऐड करेंगे, अपना न्यूट्रिशन आप डॉक्टर, अच्छा। जी ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि घी कंज्यूम कर सकते हैं क्या? अभी कफ का इश्यू तो नहीं होगा ना? नहीं, आप घी कंज्यूम कर सकते हो। जी, और एक क्वेश्चन ये और आ रहा है, ये पूछ रही है कि माइल्ड फीवर में कितना टेम्परेचर होता है, और फ्लू, वायरल फ्लू और कोविड में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइल्ड फीवर आपका लो ग्रेड फीवर होता है अबव 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और 9900। अगर वो राइजिंग फीवर है, या फिर दवाई लेने के बाद भी बार बार आ रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, परसिस्टेंट फीवर है, सो दीज आर अलार्मिंग सिम्टम्स, कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन जिन्हें भी आप दिखाते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। कॉमन फ्लू और कोरोना वायरस में क्या डिफरेंस है? इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, यही मोर्टैलिटी उन फ्लू वायरसेस की ज्यादा थी एज कंपेयर टू कोविड। द मेन डिफरेंस इज इन्फेक्टिविटी। कोविड-19 की इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, सारे लोग एक साथ बीमार हो रहे हैं, इसीलिए इतनी महामारी फैल रही है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन सब एक साथ बीमार हो जाएंगे तो कितने ही रिसोर्सेज हों, सब कम पड़ जाएंगे, और सबको ट्रीट करने में सारी दवाइयां, मेडिकेशन, ऑक्सीजन, जैसा कि आपको पता है अभी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, सबकी डेफिशिएंसी चल रही है। तो यही डिफरेंस है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर वायरस। इवन अभी कोविड-19 वायरस के म्यूटेंट्स आ रहे हैं, ये भी आपने सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स का मतलब होता है, ये कोविड-19 एक एमआरएनए वायरस है, एमआरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब इस वायरस ने लास्ट ईयर हमें इन्फेक्ट किया, इसने चाहा कि ये हमारे लंग्स को, ये हमारे ऑर्गन्स को ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्ट करे, लेकिन
हमारी बॉडी ने इसको कोप अप किया, इससे फाइट किया, तो हमें ज्यादा इन्फेक्ट करने के लिए इसके जेनेटिक मटेरियल ने खुद ने अडेप्टेशन की कुछ चेंजेस किए, और ये एक नया वायरस म्यूटेंट बन के हमारे सामने आया ताकि ये हमें ज्यादा इन्फेक्ट कर सके। तो जो ये नया म्यूटेंट आया है, इसकी इन्फेक्शन रेट पिछले वायरस स्ट्रेन जो थे उनसे ज्यादा है, इसीलिए इतने सारे लोग एक साथ इस इन्फेक्शन को कैच कर रहे हैं, और इसीलिए ये पैंडेमिक फैल रहा है, और तो इसीलिए सुना हमें है कि थर्ड थर्ड वेव जो आ रही है वो और खतरनाक है। थर्ड वेव में हो सकता है कोई न्यू म्यूटेंट्स निकल के आ जाए, उसका हो सकता है खतरनाक हो, कोई प्रिडिक्शन अभी मैं बता नहीं पाऊंगी, जो जी, तो रिसर्चर्स। ये एक क्वेश्चन था कि अभी मैम थर्ड वेव भी बच्चों को ज्यादा इफेक्ट बता रहे हैं, तो मैंने कहा पूछूं आपसे थर्ड वेव में क्या आ रहा है, कुछ ऐसा अपन को कुछ पता है क्या, कि ताकि हम अवेयर कर दें लोगों को कि बच्चों को बचा के रखें। जी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे होते हैं उनके उन्हें पिछले टाइम इतना सीवियर इलनेस या तो कोविड पॉजिटिविटी, उनकी इन्फेक्टिविटी रेट थी इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी अकॉर्डिंग टू ऑल द सर्वे जो ये नए म्यूटेंट आ रहे हैं, ये बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, पर इसमें भी माइल्ड इलनेस ही हो रही है बच्चों को। बच्चे मैक्सिमम बच्चे रिकवर कर रहे हैं, और अगर बच्चों में भी जो किसी को कॉन्जेनाइटल डिजीज है, यानी जन्मजात किसी को डिजीज है, कार्डिक डिजीज है, या कोई और इशू है, उन्हीं को एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीडियाटिक पॉपुलेशन को ही सीवियर इलनेस हो रहा है। इसीलिए हमें बच्चों को भी बाहर ले जाते टाइम, हमें तो पहली बात अवॉइड करना चाहिए कि अभी हम उन्हें बाहर ले जाएं, और अगर ले जा रहे हैं अपने वेरेंडाज में भी किसी से कांटेक्ट हो रहा है, बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमें मास्क लगाना जरूरी है। मोर देन 2 ईयर ऑफ एज मास्क शुड बी देयर, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। जी लविशा, आपके क्वेश्चन का जवाब डॉक्टर साहब ने अभी दे दिया है कि घर मैम अगर बाहर नहीं जा सकते तो भी कोविड हो सकता है क्या, तो अभी डॉक्टर साहब ने इनका जवाब दे दिया। और एक क्वेश्चन और आया है, आई थिंक के बाहर से है, आउट ऑफ इंडिया। वैक्सीनेशन करवा सकते हैं क्या प्रेगनेंसी में, वैक्सीनेशन का बेबी पर तो असर नहीं होगा ना, जी एल्फी वॉल्फ अभी का है ये क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी वैक्सीन्स बनी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन पे रिसर्च हुई है। रिसर्च होने के बाद अलग अलग कंट्रीज ने, अलग अलग जो कमिटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने गाइडलाइन निकाली है कि इस वैक्सीन को लगा सकते हैं, इस वैक्सीन को नहीं लगा सकते हैं। बात करते हैं बाहर, बाहर जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो हैं फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जैनसन नाम की वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू बहुत सारी जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, लाइक जो गाइनी गाइडलाइंस होती हैं, आरसीओजी वगैरह, वो रिकमेंड करती हैं कि ऑफर कर सकते हैं हम लोग पेशेंट को वैक्सीन। ये पाया गया है उनकी रिसर्च में कि जब मदर को ये वैक्सीन लगी तो बेबी में भी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज गई हैं, और चाहे वो दूध पिला रही है, दूध से भी बेबी में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज नहीं है, सो इट मे प्रोटेक्ट द बेबी आल्सो। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन या हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन जब तक नहीं आती, तब तक इंडिया में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को वैक्सीन अभी प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही है। जैसे ही गाइडलाइन निकलेगी उनका वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग एडवाइस करना स्टार्ट करते हैं। जी, तो प्रेगनेंसी में कोरोना की वजह से डॉक्टर साहब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जी प्रेगनेंसी जो है, कोविड-19 प्रेगनेंसी पे एज सच पर से कोई अफेक्ट नहीं करता है, और प्रेगनेंसी भी कोविड-19 इन्फेक्शन अगर किसी को है तो उस पे इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि मोस्ट केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको हो भी रहा है सिम्टम वो माइल्ड हैं, बहुत ही कम लोगों को सीवियर इलनेस हो रहा है। तो अगर किसी को ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बीपी है, वजन ज्यादा है, डायबिटीज, उनको कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा ज्यादा है। कोविड-19 वायरस की एफिकेसी, एफिनिटी इज मोर फॉर लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करता है, किसी ने इन्फेक्शन कैच किया
यहाँ पे वो नेजल एरिया में, ओरोफेरिंजल एरिया में डेवलप मल्टीप्लाई करेगा वायरस, अपने ट्रेकिया के थ्रू लंग में जाएगा, वहां बैठ जाएगा, वहां मल्टीप्लाई करेगा, इंफ्लेमेटरी स्टॉर्म क्रिएट और लंग को डैमेज कर देगा। ऑल्सो जो हमारे ब्लड वेसल है, तो कोविड-19 की ये वर्किंग है कि वो ब्लड को करता है, विसिड बनाता है, उसमें क्लॉट बनाने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है, मतलब जो हम हिंदी में कहते हैं थक्का बन जाता है। तो वो क्लॉट जब बन जाता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है, हमारी बड़ी बड़ी वेसल को ब्लॉक कर सकता है, हमारी डिफरेंट ऑर्गन के छोटे छोटे वेसल्स को ब्लॉक करके सारे ऑर्गन्स को खराब कर सकता है। इसीलिए इससे डेथ या इतनी बीमारी या इतनी इलनेस होने का खतरा है। जी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने मिस करी, बाद में थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है, तो देखा गया है कि उसमें थोड़ा सा इलनेस का खतरा ज्यादा होता है, और 18-20% प्रेग्नेंट लेडीज को समय से पहले डिलीवरी होने का एक रिस्क पाया गया है रिसर्च के अकॉर्डिंग, जिसे हम कहते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी, वो भी लेट प्री मेच्योर, 34 वीक से 37 वीक्स के बीच में डिलीवरी, उनका समय के पहले डिलीवरी हो जाना, ये पाया गया है कि रिस्क 18-20% है। अब उसके बेबी पे इफेक्ट हो सकते हैं कि बेबी पहले डिलीवर हो गया तो बेबी प्री मेच्योर है, बेबी का वजन कम है, बेबी के ऑर्गन अभी सारे मेच्योर नहीं है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं, तो बेबी को सांस की दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं हो सकता है, बेबी के लिवर, किडनी, ब्रेन, स्पाइन अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाए हैं, और बेबी में इंफेक्शन का खतरा होता है, एनआईसीयू में भर्ती रखना पड़ सकता है, तो ये सारे प्री मेच्योरिटी के इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन शुरुआती प्रेगनेंसी में अगर किसी को कोविड-19 हो गया है, यानी पहले तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को हो गया है, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, कोई अबॉर्शन का रिस्क नहीं मिला है रिसर्च में, या फिर कोई कॉन्जेनाइटल एनोमली, डिफरेंट वायरस होते हैं जो अगर जिनका इन्फेक्शन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है तो बेबी में डिफेक्ट्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, किसी के हैंड ढंग से नहीं बन रहे, किसी के ऑर्गन ढंग से नहीं बन रहे, तो ये सारे डिफेक्ट्स कोविड-19 में नहीं मिले हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी नहीं मिली है, ओनली थर्ड ट्राइमेस्टर में प्री मेच्योर डिलीवरी का थोड़ा रिस्क है। जी, तो अगर इसमें कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव है तो भी कोरोना हो सकता है क्या? जी, हो सकता है, क्योंकि जो कोविड टेस्ट हैं उसमें 1/3 पेशेंट के रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव आती है, 1/3 पेशेंट इज अ गुड परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, मतलब आपके टेस्ट नेगेटिव है लेकिन आपको सारे के सारे सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, ऐसा भी होता है। तो अगर अब इतनी महामारी है, उसकी इतनी इन्फेक्टिविटी रेट है कि इतना पैंडेमिक उसने फैला दिया है, तो अगर आपको सिम्टम है तो आप ये मान के चलिए हो सकता है, बहुत चांस ज्यादा है कि आपको कोविड है, लेकिन आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि ये इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में माइल्ड होता है और ये ट्रीटेबल है, अगर आप टाइमली इसको अपनी दवाइयां लेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, सारे जो आपको स्टेप्स बताए जाएंगे वो आप प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे, ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आप इस डिजीज से जीत सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रही है एक मैम, मैम बिना किसी ज्यादा सिम्टम्स के इन्फेक्शन रेट क्यों बढ़ रहा है बॉडी में? मतलब कम बॉडी सिम्टम, में हाँ, मतलब वो पूछ रही है कि बिना किसी ज्यादा सिम्टम्स के, मतलब सिम्टम्स नहीं है फिर भी इन्फेक्शन रेट क्यों बढ़ रहा है बॉडी में? वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द म्यूटेंट्स, जो म्यूटेंट आए हैं मे बी उसकी वजह से। दूसरा जो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट में माइल्ड फीवर है, पेशेंट में सांस में दिक्कत ही नहीं हुई, सैचुरेशन फॉल ही नहीं हुआ पेशेंट का, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हम मेजर करते हैं वो नीचे ही नहीं गिरा, और जब पेशेंट्स की सीटी स्कैन हुई तो उसमें मोर देन 50% को लंग डैमेज आ रहा है, तो दिस इज द जी इन्फेक्टिविटी
ऑफ कोविड-19। तो इसीलिए आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आप ये मत सोचो ओ मुझे तो कोरोना हो गया। ये इस फोबिया का टाइम नहीं है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तुरंत अपनी मेडिकेशन आप स्टार्ट कराएंगे। ओके कोविड पॉजिटिव लेडी आफ्टर डिलीवरी बेबी से दूर आइसोलेटेड रहे या बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, यस तो मतलब करवा सकती है क्या? जी करवा सकती है, ऑफ कोर्स करवा सकती है। अगर मैंने जैसे आपको बताया 70% को तो सिम्टम ही नहीं होगा, फिर भी उन्हें प्रॉपर प्रिकॉशन लेके अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। प्रॉपर प्रिकॉशन में लेडी मास्क लगाएं, N95 प्रेफरेबली डबल मास्क लगा सकती हैं, और बार बार अपने हैंड वॉश करें, हैंड सैनिटाइज करें, बच्चे को फीड करें, और ट्राई करें कि अगर आपको कफ या स्नीज आ रहा है तो आप बेबी पे ना करें, उस टाइम आप ब्रेस्ट फीडिंग को रोक दें, फिर वापस कंटिन्यू करें। ब्रेस्ट फीड करने के बाद अपने ब्रेस्ट को प्रॉपरली आपने क्लीन करना है, जिन जिन सरफेसेस को आपने टच किया है उन सरफेस को आप सैनिटाइज करें। अगर आपको ज्यादा इलनेस है या कफ स्नीज ज्यादा है तो आप किसी घर के किसी रिलेटिव को जो बेबी का केयर कर रहा है दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पंप आते हैं ब्रेस्ट पंप, आप सैनिटाइज बॉटल, क्लीन स्टरलाइज बॉटल को लें, पंप से आप मिल्क निकालें, और जो दूध पिला रहा है उसे भी आप बोलें कि आप भी पहले सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ, बेबी पे कफ नहीं करना है, खांसी नहीं करनी है, उसको मिल्क दूध फीड कराएं, और उसके बाद प्रॉपरली वापस बॉटल को सैनिटाइज करें। अगर हम ये सारे प्रिकॉशन फॉलो कर सकते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग करना ज्यादा बेनिफिशियल है बेबी के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग करने से जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होती हैं वो मदर से बेबी में पास होती हैं, और जो बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शन होते हैं उनसे बेबी को वो बचा सकती है। इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड प्रोटेक्टिव फॉर द चाइल्ड। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग आपको नहीं रोकनी है। हो सकता है आपको सिवियर इलनेस हो, अब अगर सिवियर इलनेस है, आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर वो एक बहुत ही स्मॉल परसेंट ऑफ लोगों में हो रहा है। मोस्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, तो आप प्लीज अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करो, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को बहुत इम्पोर्टेंट एंड गुड इम्यूनिटी और गुड प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज मिलती है। जी तो हमारे साथ जितने भी लोग ऑनलाइन हैं वो सभी इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि जिन जिन ग्रुप्स में जो बच्चों के हैं, छोटे बेबीज हैं जिनके, उनको भी इससे फायदा हो, जो डॉक्टर साहब हमको इतनी अच्छी जानकारी दे रही हैं। डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोविड से बचने के लिए प्रेगनेंसी में? जैसा कि अभी आपको बताया, आइसोलेट करना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना, आप मास्क का यूज करें, बार बार सैनिटाइज करें, हैंड सैनिटाइज करें, जो अच्छा सैनिटाइजर है 70-90% जिसमें अल्कोहल है उसको आप यूज करें। प्रेगनेंसी में मैं दोबारा दोबारा फोकस करूंगी ऑन न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन पे अपना ध्यान रखोगे तो आप बहुत सारी, अब अगर आपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखा, आपने फूड पे ध्यान नहीं रखा, आपकी डायबिटीज टेंडेंसी है, डायबिटिक टेंडेंसी है, आपको बीपी की शिकायत है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जा सकती है। तो आप न्यूट्रिशन पे ध्यान रख के खुद को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं और कोविड-19 से आप बचा सकते हैं। दूसरा, आप माइल्ड एक्सरसाइज घर पे करें, आप खुद को सेडेंटरी, मतलब बिल्कुल आप रेस्ट नहीं करना सिर्फ प्रेगनेंसी में, माइल्ड एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट आप घर में ही घूम लिए, या आपने कुछ वर्क कर लिया, लाइट वर्क कर लिया, तो आप ये कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आपको कोविड हुआ है तब भी, कोविड नहीं हुआ है तब भी, बिकॉज ब्रीदिंग, डीप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, दीज ऑल थिंग्स इंक्रीजेस योर इम्यूनिटी, योर पावर टू फाइट अगेंस्ट ऑल इन्फेक्शन। प्राणायाम आपको सबको पता है कैसे होता है, जो सभी को पता है, एक साइड का नॉस्ट्रल बंद करके हम डीप इनहेल करेंगे और फिर इस नॉस्ट्रल को ओपन करके इधर से एक्सहेल करेंगे, हवा को बाहर निकालेंगे। दूसरा एक टेक्निक और है, अगर किसी पेशेंट को कोविड हो गया है, प्रेग्नेंट लेडी को, ज्यादा एक्सरसाइज तो वो कर नहीं सकती, ब्रीदिंग एक्सरसाइज उन्हें करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके दो टेक्निक है, मैं शेयर करती हूँ।
सबसे पहले आपको अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में आपको रिलैक्सली आपको बैठना है। उसके बाद 1 मिनट तक आपको गहरी सांस लेनी है। बिल्कुल आप अपने सामने एक वॉच रख लो, 1 मिनट तक गहरी सांस आप खींच के लोगे और उसके बाद 1 ही मिनट में आपको वो सांस निकालनी है। ऐसा आपको कुछ दिन करना है, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। फिर 5 दिन के बाद आप वापस से 1 मिनट सांस लेंगे, लेकिन आप इस सांस को छोड़ने में अब आपको 2 मिनट में ये सांस छोड़नी है, यानी कि आपको अपनी एक्सहेलेशन कैपेसिटी बढ़ानी है, स्लोली आपको सांस छोड़नी है। ऑल दीज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल स्ट्रेंथन योर रेस्पिरेटरी मसल। वो आपके रेस्पिरेटरी मसल को, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये आप कर सकते जी, हैं। एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर साहब, आफ्टर कोविड रिकवरी बॉडी इम्यूनिटी इज ऑलमोस्ट हाफ नाउ, डज द गोना इफेक्ट बॉडी बेबी, सॉरी। बेबी, आपकी इम्यूनिटी हाँ, अगर वीक, बेबी को इफेक्ट हो सकता है क्या, ये पूछना चाहते हैं। तो आफ्टर आपकी अगर, आफ्टर कोविड रिकवरी बॉडी इम्यूनिटी इज ऑलमोस्ट हाफ, डज दैट गोना इफेक्ट बेबीज, बच्चों को इसका क्या इफेक्ट होता है? नहीं, इतना कुछ ज्यादा बच्चों में कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। आपको खुद का ख्याल रखना है। इफ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू विल टेक मोर केयर ऑफ योर बेबी। तो अगर आपको ये पोस्ट कोविड, अगर आपको इतनी इम्यूनिटी आपको वीक हो गई है, तो आप ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताई ये करें, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, वॉकिंग और जॉगिंग, आप ये सब कर सकते हैं। और उसके अलावा अगेन अगेन इसमें न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपने टाइम पे लेंगे, एनर्जी कंटेनिंग आप डाइट लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपको जल्दी आप इम्यूनिटी, जो आपकी आपको कम लग रही है, इससे आप रिकवर हो सकते हैं। हाँ, इम्यूनिटी अगर आपको वीक लग रही है, अगर आप खुद की न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, उसका अमाउंट कम हो सकता है। अगर आप अच्छे से जी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉपर लिक्विड्स नहीं लेंगे, मिल्क नहीं लेंगे, फ्रूट्स नहीं लेंगे, तो जो अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क आपका बनता है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो उसकी वजह से बेबी पे आपको इफेक्ट शायद दिख जाए, लेकिन आप अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर लेंगे तो आप विल रिकवर वेरी सून। जी तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना है या सिर्फ उसको फीवर आ जाए, तो तब भी उसको क्या हॉस्पिटलाइज करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है, जो अभी अपन ने बात करी, या फीवर आ रहा है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन से सबसे पहले संपर्क करें। वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, आप उस ट्रीटमेंट को और सारे जो अच्छे से फॉलो करें। वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, इवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपके आगे का मैनेजमेंट क्या है। अगर आपको माइल्ड रहते हैं सिम्टम, माइल्ड कफ या सांस में दिक्कत रहता है, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाएगा, आपको घर पे आइसोलेट होना है, घर पे सारी दवाइयां आपको लेनी है, अपना हाइड्रेशन यानी प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, बहुत सारा पानी आपने लेना है, जूस चाहे तो आप जूस भी ले सकते हैं, फ्रूट्स सब आपको लेने हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। आपको फिजियोथेरेपी आप बैक की कर सकते हो, अगर आपको कफ है, चेस्ट इन्फेक्शन है, और अगर एंटीबायोटिक आपको दिए तो टाइम आपको लेने हैं। जो सप्लीमेंट्स आपको देते हैं, बहुत सारे लोग इन सप्लीमेंट्स को मिस कर देते हैं कि इतनी मेडिकेशंस नहीं हो पाएंगी, सब सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं। और जो अभी इतनी सारी एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग चीजें हमने शेयर की, उनमें से जितनी आप पॉसिबली ले पाए उतनी आप लें, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ही कम परसेंट ऑफ पीपल को सीवियर इलनेस है, जिनको सीवियर इलनेस है उन्हीं को भर्ती करके ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बाकी सबको होम आइसोलेशन और होम बेस्ड ट्रीटमेंट से ही वो ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। जी, ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज होती हैं उनको भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है? वैक्सीन ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को तभी लग सकता है जब हेल्थ मिनिस्ट्री जब अलाउ करेगी, क्योंकि मे भी यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है जो इंडियन वैक्सीन है उनपे, तो जैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री अलाउ करती है आप लगवा सकते हैं। जो बाहर रिसर्च हुई है उसके हिसाब से तो ब्रेस्ट फीड, जो जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है कोई लेडी, तो मिल्क के थ्रू अच्छी गुड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द COVID-19 माँ से बच्चे में जाती है, जो बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो जैसे ही अलाउ जी होगा आप
फीडिंग के टाइम पे भी वैक्सीन लगवा सकोगे। तो मतलब प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग का जब हमारे पास गाइडलाइंस आएंगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। कोशिश अच्छा, और करूंगी इतने तो अगर अपडेट कर देंगे आपको। जी अगर प्रेग्नेंट लेडी के मतलब बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो क्या कोरोना उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा? यस ऑफ कोर्स कर सकता है, अगेन रिस्क है। जो बीपी है, जो मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन किया था, बीपी, डायबिटीज, मोटापा या कोई और डिजीज, थ्रोम्बोफिलियाज या ऑटोइम्यून इम्यून डिजीजेस जिनमें क्लॉटिंग का ज्यादा खतरा होता है प्रेगनेंसी में, या फिर कोई मॉर्बिड डिजीज रही है पहले प्रेग्नेंट लेडी को, तो अगर ऐसी कोई डिजीज है और स्पेशली बीपी, तो बीपी की जहां यहाँ बात हो रही है, तो उनको COVID-19 का सीरियस इलनेस का खतरा नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो उन्हें क्या करना जी है, अपनी मेडिसिन्स टाइम पे लेनी है, अपने डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करना है, अपने सोनोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट टाइम पे करवाने हैं, और मेडिटेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कैल्शियम सप्लीमेंट को टाइम पे लें, बीपी की दवा को टाइम पे लें। बीपी में अगर आप घर पे हैं, आपको कोई भी सर दर्द होता है, दिखने में आपको दिक्कत आती है, आपको सूजन आ गई है पैरों में या शरीर में जो आराम करने पे नहीं जा रही है, आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है नॉर्मल से, आपके चेहरे पे या हाथों पे सूजन आ गई है, आपकी अंगूठियां कड़क हो गई हैं, ऐसा कुछ भी आपको हो रहा है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें सो दैट आपका ये बीपी का प्रॉब्लम सॉर्ट हो सके, बिकॉज इट अफेक्ट्स बोथ मदर एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स बेबी। तो आपको ये सारे निगलेक्ट नहीं करने हैं, अपने डॉक्टर को दिखाना है। जी क्वेश्चन आया है मैम कि प्रेगनेंसी में कोरोना ट्रीटमेंट का असर बेबी पर होगा क्या? नहीं, प्रेगनेंसी में जो जो सिंपल माइल्ड सिम्टम्स के लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका असर बेबी पे नहीं होता है। जो स्टेरॉइड देने पड़ते हैं किसी किसी पेशेंट को, तो स्टेरॉइड इनिशियली तो बेनिफिशियल होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, सॉरी, जो बेबी होता है उसके लंग की मेच्योरिटी को, वो जल्दी मेच्योर, लंग्स को जल्दी मेच्योर करते हैं, बट वो और भी उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं बेबी पे, तो वो देख के हम आपके स्टेरॉइड कितना देना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क के हिसाब से आपको स्टेरॉइड दिए जाते हैं। बहुत ही मॉडरेट टू सिवियर इलनेस है तभी आपको उस तरह की दवाई दी जाएगी, अदरवाइज वो नहीं दी जाएगी, आपको दूसरे मेडिकेशन से ट्रीट किया जाएगा। ठीक जी है, फिर इन्हीं का ही क्वेश्चन है, रेमडेसिविर जैसी हाई डोज मेडिसिन क्या बेबी को अफेक्ट नहीं करेगी? रेमडेसिविर पे रिसर्च होके ही प्रेगनेंसी में रेमडेसिविर अलाउ हुई है, वो भी सीवियर इलनेस में ही दी जाती है। अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग रेमडेसिविर का बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये पूछ रही हैं कि डॉक्टर प्रियंका कैन वी कंसल्ट यू ऑनलाइन? कनिष्का शर्मा है, इनका क्वेश्चन है कि आपसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकती हैं? यस ऑफ कोर्स, आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, और स्पेशली फॉर दोज पीपल जो बहुत ही मतलब जो अभी घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी सरकमस्टेंस, मैंने अपना फ्री वीडियो कंसल्टेशन भी स्टार्ट किया है टू हेल्प यू पीपल एट 9 to 10 PM एवरी डे, और उसमें अपना नंबर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अदरवाइज भी आप वीडियो कंसल्टेशन करना चाहें तो किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली ऑन माई क्लिनिक एड्रेस, एंड आपको सब अवेलेबल करा दिया जाएगा मैसेज। एक चीज और बता दीजिए डॉक्टर साहब, ये डबल मास्क के क्या बेनिफिट हैं और कैसे लगाना चाहिए डबल मास्क? हाँ, डबल मास्क, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो मास्क हमारे लिए है, जो हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं N95 मास्क, 95 to 98% हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाता है, लेकिन हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मास्क यूज करते हैं, कपड़े के क्लॉथ मास्क यूज करते हैं, स्पॉन्ज के बने हुए वो टाइट मास्क हम यूज करते हैं, या सर्जिकल सिंपल ब्लू कलर का भी मास्क आता है, लेट मी शो यू, ऐसा मास्क जो आता है ये भी हम यूज करते हैं। तो N95 की सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर है, बाकी ऑन एन एवरेज 51 to 58% प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम इस तरह का सर्जिकल मास्क जो मिलता है हमें,
इसको पहले हम इस तरह से अप्लाई करें कि हमारे नोज को और अपने पूरे माउथ को कवर करें और यहाँ से हम उसको टाई करें और इसके ऊपर हम अपना क्लॉथ मास्क लगाएं, तो ये क्लॉथ मास्क की प्रोटेक्टिंग पावर को 60 से लेकर 85% तक इंक्रीज कर देता है। तो दिस टेक्निक इज गुड। अगर आप सिंपल ये सर्जिकल मास्क यूज करेंगे तो इसकी भी अकेले की इतनी प्रोटेक्टिंग पावर नहीं है और क्लॉथ मास्क की भी अकेले इतना यूज नहीं है। अगर हम दोनों को यूज कर पाए तो अच्छा है। कई बार आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है तो आप फिर चाहे तो N95 मास्क भी आप यूज कर सकते। जी, और अगर एक हम जो क्वेश्चन और शील्ड है। जी है, जो शील्ड मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज फॉर अस पीपल के हम इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं एक्सपोज हो जाते हैं, अगर हम उसे यूज करते हैं तो उसका और ज्यादा बेनिफिट होता है। एक क्वेश्चन और है डॉक्टर साहब, वो कोविड से रिलेटेड नहीं है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जो कई सारी महिलाओं में क्या है ना, ओव्यूलेशन पेन होता है, तो वो किन महिलाओं में होता है? ओव्यूलेशन पेन इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद एनी डिजीज। जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिजीज हो तो ही ओव्यूलेशन पेन हो। इसे हम प्राइमरी डिसमेनोरिया मिशलमर्स पेन बोलते हैं हमारे उसमें टर्मिनोलॉजी में। तो इससे आपको घबराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ओव्यूलेशन का ही पेन है? तो अगर इसका ओव्यूलेशन के पेन के साथ अगर आपको पीरियड हैवी है या कोई आपको वेजाइनल इचिंग है, बर्निंग है यूरिन में, और आपको क्लॉट्स पास हो रहे हैं पीरियड के टाइम पे और पीरियड आपको शुरू हो रहा है उसके पहले से आपको या तो पेन है या पीरियड आने के बाद पेन बढ़ जाता है या एनी अदर थिंग्स ऑल्सो, तो एक बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए कि ओव्यूलेटरी पेन है या सिंपल। ओव्यूलेटरी पेन एक दो दिन के लिए रहता है और फिर वो चला जाता है अराउंड मिड ऑफ योर साइकिल, मिड ऑफ योर पीरियड। जैसे आप पीरियड आया, अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो आपके पीरियड के मिड में ये आपको पेन फील होएगा और मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकता है एंड इट्स कॉजलेस एंड हार्मलेस। अगर ये ये किन किसी महिलाओं डिजीज, में होता है? नॉर्मली किसी में भी हो सकता है, इसका ऐसा कुछ वो नहीं है। नहीं तो ये मतलब इस ओव्यूलेशन पेन ज्यादातर लेडीज को तो नहीं होता है, किसी किसी लेडीज को ही होता है, बहुत कम लेडीज में पाया जाता है। हाँ, ये यंग इसके यंग कुछ किसी साइड में इफेक्ट? नहीं है इसके, जी इट्स हार्मलेस, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर एक बार चेक करना जरूरी है कि ये ओव्यूलेशन का पेन ही है या किसी और चीज का पेन है। ये जी है इसमें। अगर ये सिंपल ओव्यूलेशन का पेन है तो ये कोई आपको ज्यादा, ये डेडली नहीं है, ये आपको ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो सिंपली जो आज डॉक्टर मेडिकेशंस साहब हैं, जो सिंपली मेडिकेशंस जी हैं उससे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेबल है ओव्यूलेटरी पेन। okay. आज डॉक्टर साहब ने हमको इतनी सारी जानकारी दी, आई थिंक आप सभी लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ होगा, जो अभी मदर टू बी, जो अभी माँ बनने वाली है और जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, उन्होंने इसका बहुत अच्छे से उनको फायदा हुआ होगा। और भी अगर उनको कुछ अपना पर्सनल डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है तो उनका ऑनलाइन कंसल्टेशन डेली होता है, और उन्होंने हमारे होटल वुमेन एंटरप्रेन्योर में भी एक वीडियो पोस्ट किया था, वो वीडियो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब सभी को आप इतनी अच्छी जानकारी दीजिए, डॉक्टर साहब ने एक बार में ही बोल दिया हाँ मैं आपके साथ लाइव आने को तैयार हूँ। और इतनी कोविड से रिलेटेड और प्रेगनेंसी में जो भी आप लोग केयर कर सकते हैं और जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और डॉक्टर साहब का नंबर हम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे, अगर किसी को डॉक्टर साहब से बात करनी हो और किसी भी विषय पे जानकारी लेनी हो तो आप उनसे ले सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज जुड़े और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर के मंच पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड स्टे सेफ।